बीजेपी गेलुपु कोसमे टीआरएस एमआईएम तपना अन्नारु टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी टीआरएस को कांग्रेस पार्टी पूर्ति दूरम अन्नारु ఎప్పుడు ఎన్నికలు జరిగినా 95 సీట్లు వస్తాయని చెప్పిన కేసీఆర్ పీకేను సలహాదారుగా పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఏముందని ప్రశ్నించారు కేసీఆర్ కే బారే మే కు చర్చ నై చలే కేసీఆర్ కు కాంగ్రెస్ పార్టీ భరోసా నై కర్తే 2004 మే 2009 మే 2014 మే 2018 మే ఉస్కా హాల్ చాల్ హం దేఖా హువా హై కేసీఆర్ కు దునియా మే కిసీ కు భీ భరోసా కర్ సక్తే కేసీఆర్ కు కాంగ్రెస్ పార్టీ భరోసా నై కరేగా కేసీఆర్ ఔర్ అసద్ భాయ్ జుడవా భాయ్ దోనో तो जहाँ जहाँ इलेक्शन चुनाव होगा वहाँ वहाँ असद भाई जाएगा भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए असदुद्दीन ओवैसी और केसीआर जाएगा कांग्रेस पार्टी के जो जो साथ है उन लोगों को कांग्रेस से तोड़ने के लिए कोशिश करेगा। मतलब ये दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सुपारी उठाए हुआ है। ऐसे सुपारी गैंग से कांग्रेस पार्टी कभी जोड़ेगा नहीं। ऐसे रूमर्स स्पेकुलेट करने में रूमर्स सर्कुलेट करने में केसीआर माहिर है। केसीआर को कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं है। उनको उनके बारे में सब सारे पूरा तेलंगाना आम जनता को दिखाने के लिए आगे आने वाले महीने में राहुल जी तेलंगाना को आने वाले हैं। जब 9500 सीट अगर जीतने का रहा तो प्रशांत किशोर को उन्होंने लेने का मतलब क्या है? अगर अगर उनको जीतने का इतना उम्मीद है, अगर टीआरएस पार्टी तेलंगाना में 100 सीट जीतने का अगर वहाँ वातावरण होगा तो क्यों प्रशांत किशोर को स्ट्रैटेजिस्ट को अपॉइंट कर लिए? इसका मतलब वो डर रहा है कांग्रेस से। तो कांग्रेस से डर रहा है इसीलिए लोगों को भटकाने के लिए हमारा कांग्रेस से कुछ गठबंधन होने वाला है बोल के ऐसे रूमर स्पेकुलेट करने के लिए कोशिश कर रहा है। मतलब कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ऐसे बातचीत सर्कुलेशन में लेकर आ रहा है केसीआर ने। हमको कोई लेना देना नहीं। आपको पता है मध्य प्रदेश सरकार छोड़ लिए, कर्नाटक में सरकार छोड़ लिए, बहुत सारे प्रदेशों में हम सरकार गया मगर एक तरीका से कांग्रेस पार्टी चल रही है। तो तेलंगाना में प्रदेश सरकार बनाने के लिए चोर जैसा आदमी केसीआर से हम कैसे जोड़ेंगे? अभी अभी तो चेंज होकर ही हम आगे जा रहे हैं। अभी इंटरनल जो भी चलेगा हम लोग इंटरनल बात कर लेगा, अभी पत्रकारों से थोड़ी चर्चा चलेगा।